Hello, Namaskar, Assalamu Alaikum. Welcome to Center Fresh Chewing Gum Presents Comedy Circus ke Ajoobe Desh Videsh Special. और आज यहाँ आने वाली हैं वो जिनकी खूबसूरती के आगे पेरिस की शामें भी शर्माएं, जिनके डिंपल में पेरिस का आईफिल टावर भी खो जाए. द वेरी ब्यूटिफुल द गॉर्जियस प्रीति जिंटा. Hi, good evening, everyone. Hi, Sohail. Love you, Zinta. Love you too. Hi, Archana. I'm jealous he loves you and not me. I loved you in Bol Bachchan. Yeah, Didi. Hello, hi. I'm Preeti Zinta. Zordar taaliyan bajaiye mere liye. Actually, मुझे बहुत problem होती है. फिल्मों में सुंदर हीरोइनें आ जाएं. मार्केट में डुप्लीकेट पहले आ जाती है. देखो 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 तेजा, मैं हूँ. मार्क इधर है, यानी कि डिंपल यहाँ है. प्रीति मैं हूँ. ये मार्क नहीं, भूख की निशानी है. अच्छा देखो, मेरे शरीर में कोई गड्ढा नहीं, सारे गड्ढे भरे हुए हैं. Hi guys, I'm Priti Zinta. मेरी सुपर डुपर हिट फिल्म आने वाली है इश्क इन पेरिस. तो प्लीज आप अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा, भाई बंधु सबके साथ जाके फर्स्ट डे पहला शो देखिएगा. थैंक यू सो मच. फिर आप इतनी असली हैं तो आपने पिक्चर में डांस बहुत अच्छा किया था. जरा मुझे कोई स्टेप्स दिखाएंगे? हाँ प्लीज गाइज, म्यूजिक देना. फॉलो मी. शांति के पाठ पढ़ाने के लिए आ रहे हैं मंत्रा एज ऑफिसर, राजीव एज दुश्मन का ऑफिसर और पूर्वी एज वेरियस कैरेक्टर्स. आक्रमण! प्रीति जी प्लीज संभल के रहिएगा, बहुत खतरनाक जगह ही है. पेमेंट मांगने जागो गोली मार देते साले. ओह माय गॉड, ठीक तो है सब? प्रीति जी कैसी हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देख के. बहुत, आपको देख के बहुत सुरक्षित फील कर रही हूँ. वैसे प्रीति जी, मैंने सुना आपने प्रोड्यूस भी की है फिल्म. यस एब्सोल्युटली. आप पहली लड़की हैं जो इश्क में पैसा लगा रही हैं. वरना ज्यादातर काम ये लड़कियां जो है लड़कों से करवाती है. एनीवे, देखता हूँ कौन आता है मेरी माँ को मुझसे छीनने. वो खत्म हो गई गोली, आगे बोल. सुबह का खाना दिल्ली में, दोपहर का मुंबई में और रात का कलकत्ता में करेंगे. वे साले जंबो वड़ा पाव की दुकान. साले खाने पीने के अलावा कुछ सोचता नहीं है, सब तू खा लेगा तो वो क्या जजमेंट करने आई है यहाँ पे? ए, ए, अब तू बेलन चला चाहे चिमटा, जंग से बचना है तो मेरे हवाले कर दे प्रीटी जिंटा. सोहेल के होते हुए हमारे देश की किसी भी औरत पर सेक्सी नजर नहीं डाल सकता तू. लड़की पटानी है तो पैसे करते हैं खर्चना, अगर इतना ही शौक है तो फ्री में ले जा अर्चना. नहीं 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 नहीं, हमारी फौज में मर्दों की कमी नहीं है. रहने दे भाई. ओए अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, याद रखना हमारे यहाँ पर आके ऐसी बकवास बातें नहीं करते, वो भी सोहेल के सामने. ये वाला अक्षय की आवाज में सुना रहे यार. तू इतना इंसिस्ट कर रहा था अक्षय वाला. देखो बेटे, अब मैं जो करता हूँ वो लगता है. ए, बस 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 रहने दे. जैसा अक्षय तू कर रहा है ना, तेरे ऊपर फायरिंग बनती है. अरे मत, अरे कोई बुलाओ. हम आ गया है, सब ठीक हो जाएगा. आई विल डू. अबे कंडिल, इधर इधर. ओह माय गॉड, चश्मा पहना है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे माफ करो. एक मिनट, एक मिनट. ओह माय गॉड, ब्लड, सो मच ब्लड, सो मच. तू है कौन? मैं नर्स खुद थी. बिंदी लगाना भूल गया. नर्स कुंती, नो वरी, आई एम हियर, एवरीथिंग इज फाइन. अरे प्लीज पानी दे दे नर्स, मैं मर रहा हूँ. बहुत ब्लड है. अरे क्या कर रही है?
एकदम ब्लड है, बहुत ब्लड है। ब्लड देख के मेरा चेहरे का रंग उड़ जाता है। आई एम वेरी सॉरी। अरे मेरा खून बह रहा है, कमजोरी हो रही है। हाँ, कुछ कर। अरे इसको तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, नर्स खंती इज हियर, आपको हम ग्लूकोज चढ़ाता है। ठीक है, ग्लूकोज की बिस्किट। अरे इतना भड़कता है तुम। हमारा मम्मी रोज ऐसे सूर्य को पानी चलाता है, तो हम तुमको ऐसे ग्लूकोज नहीं चढ़ा सकता। और एक मिनट, ये सब क्या है? बॉर्डर पे तुम लड़ता है, झगड़ता है। अरे तुम दोनों फ्रेंडशिप साथ में मिलके रहना चाहिए ना। मिलकर रहेगी मेरी जूती, किसी की मुझे अपना हक लेना आता है। अरे हक हक साले, व्हाट द हक है? तेरे को मैं देता हूँ हक। एंड नर्स, यू गो एंड व्हाट डू योर जॉब। ओके, एंजॉय एंजॉय। ओह माय गॉड, तेरे को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। बम का बम फेंक के उड़ाई दूंगा। बम का बम है तेरे पास? नहीं है तो साली बैठी किस पे? अबे साले, हमारे देश के ऊपर आंखें उठा के देखता है तू? जानता है हमारे पास कुछ नहीं है। क्या है तुम्हारे देश के पास? अबे साले, हमारे पास अमिताभ है, हाय। हमारे पास सचिन है, हाइला। हमारे पास लता है। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास अदनान, वो भी आजकल इंडिया में। शकील, शकील, वो भी इंडिया में। कौन? आतिफ, आतिफ, वो भी इंडिया में। यार सोच के बताता हूँ। अरे ज्यादा मत सोच, तेरा तो कसाब भी इंडिया में है साले। अशरफ अली, हमने तुम्हें रहने को जमीन दी, तुम्हारे आर्टिस्टों को सम्मान दिया, तुमने हमें क्या दिया? बीना 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 मलिक दी हमने। अरे राखी सावंत, राखी सावंत। माफ कीजिए, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं बिग टॉस की खोज, अश्मित की दोस्त और मीडिया पे बोझ बीना हूँ, बीना। अरे तो सीधा सीधा बोलना, पड़ोसी मुल्क की राखी सामंत और क्या। देखिए अपने अल्फाजों को दुरुस्त कीजिए। मैं तो यहाँ आई हूँ आवाम से सवाल पूछने कि आखिर दो मुल्कों के बीच छिड़ी ये नफरत की जंग कब खुलेगी। मैडम सारी चीजें खोली नहीं जाती, बंद करिए बोलना। देखिए देखिए, शायद आपको इस बात का इल्म नहीं कि ऊपर वाले ने हमें मोहब्बत करने के लिए बनाया है। अरे पर मोहतरमा, मोहब्बत करने का कोई वक्त होता है, कोई जगह होती है। जगह का क्या है, वो तो आप ही मुहैया करा देंगे ना। हाँ सही है, आपके तो रहने के लिए पूरा मुल्क हमने मुहैया करा दिया था। और क्या चाहिए? देखिए देखिए, ऊपर वाले के वास्ते अपने दिल से नफरत को बाहर कीजिए, गुस्से को बाहर कीजिए और मुआमले को आगे मत बढ़ाए। किसे ना बढ़ाइए? मुआमले। मैडम ऐसे तो मामला और बढ़ जाएगा। आप ये बताइए, आप होती कौन है मामला सुलझाने वाली? वैसे तो मैं बहुत ही अव्वल दर्जे की बेकार हूँ, फनकार हूँ, फिल्म स्टार हूँ, फिल्म स्टार हूँ, लेकिन मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ हूँ, यू नो। हाँ देखा देखा कितना डाउन टू अर्थ है। बिग टॉस में अर्थ पे आप अश्मित के साथ पढ़ा। तू मेरे मुल्क की लड़की पे पंच मारता है? अबे मोटे, मैं तो केवल पंच मार रहा हूँ। बिग टॉस में तो बीना जी, आपसे जो उसने अश्मित ने अंडर कपड़े धुलवाए हैं, ये अच्छा नहीं लगा मुझे। तुमने पता नहीं ये शो क्यों ज्वाइन किया, मुझे आज तक नहीं पता चला। तेरा लोग एक घर, वाओ, इससे बेहतर मौका शो करने का और कहाँ। मेरा मतलब है बहुत ही अच्छा शो है, उससे भाईचारा बढ़ता है। देखिए बस कीजिए बस कीजिए, ऊपर वाले के वास्ते नफरत बाहर कीजिए। देखिए मैं यहाँ प्यार का MMS देने आई हूँ, मतलब मैसेज देने आई हूँ, मैसेज देने आई हूँ प्यार का। और आप क्यों झगड़ रहे हैं भाई? वतन परस्ती पे कितने खूबसूरत गाने बनाए हैं आपके हन्नू मलिक जी ने। अरे तू भी तो बीना मलिक है ना, एक बात बता, ये बीना मलिक ये हन्नू मलिक तेरे लगते क्या है? गले मेरा कहने का मतलब है हमें गले मिला के नफरत को बाहर कर देना चाहिए। देखिए मैं आवाम से यही कहना चाहती हूँ कि चलिए आज हम दोनों तन एक हो जाएं। तन ने वतन एक हो जाएं। हाँ वतन वतन वही वही। देखना बहुत जल्दी दोनों वतन एक हो जाएंगे, सब पर हमारा कब्जा होगा, हमारा। अबे
भूतनी के। अबे साले 10 रुपए के छोटे रिचार्ज बराबर नक्शा है तुम्हारे देश का वर्ल्ड मैप पे, समझे ना। किसी दिन हम अपनी वाली पे आ गए ना मुन्ना, तो कहाँ खर्च हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। देखिए बस बहुत हो चुका, अब ये जंग खत्म होगी और आज खत्म होगी। मेरे जहन में कुछ ख्याल आए हैं जो मेरे खत पे लिखे हैं और मैं खत आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगी। एक मिनट। सोहेल जी, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आपने मन से ये फिजूल के खुराफतें, खून खराबे, खतरनाक इरादे और खौफनाक मंसूबे बाहर कीजिए और अपने दिल में खूबसूरत ख्याल, खुले विचार और खुशबूदार ख्वाब रखें। क्या आप जानते हैं आज भी खार घर में मेरी खाला खामखा हो रहे इस खत्म खेल को खत्म करना चाहती है ताकि वो अपनी खोली में खामोशी से खार घर में खाना खा सके। अबे ये खारिश की दुकान, साले नुक्ते की खांसी आई है क्या तेरे को? देखिए प्लीज मुझे मुआफ कीजिए, मेरे बॉडी में खून की कमी है। तेरी मुआफ की तो ऐसी कहते, गेट द मूव ऑफ फ्रॉम हियर, गेट द मूव ऑफ फ्रॉम हियर। भाईजान भाईजान, आज मुझे पता चल गया कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। तो हम मिलकर गिरा दे अपने बीच की दीवार को। सुन रही हो अर्चना जी, भाई क्या कह रहे हैं, तोड़ दो ये दीवार। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं? अरे क्योंकि ये दीवार आम नहीं, ये दी वॉर है और इस दी वॉर का हम करना चाहेंगे दी एंड। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप दोनों गले मिलो। खत्म करो दीवार, खत्म करो, खत्म। एक इंसान यहाँ पे मिसिंग है जिसके कारण ये सब कुछ चला है, वंकुश अरोड़ा, प्लीज प्लीज कम है। वंकुश, व्हाट अ फैबुलस एक्ट। आई वांट टू से वन थिंग कि एक अच्छी लिखाई के साथ साथ जब 3 लोग 4 चांद लगा दें अपनी परफॉर्मेंस का, वो बहुत यूनिक होता है। इन माई एंटायर करियर ऑफ 30 ईयर्स, वेरी सेल्डम हैव आई फेल्ट सो जेलस एज आई एम ऑफ यू पूर्वी। यू आर सो टैलेंटेड एंड सो गुड ऑन दिस स्टेज एंड मंत्रा यू आर अ ड्रीम डार्लिंग एंड राजीव यू आर वेरी लकी कि आप इस मंच पर हैं और आप इन दोनों के साथ हैं। और वंकुश, आपकी पिछली बार मैंने इनके हाथ में दिया था, आपकी बार वंकुश मैं आपके हाथ में। And congratulations and mwah. Oh, you guys are fabulous. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Zinta, what do you have to say? I'm going to start with ladies first. So Purbi, a very, very good act. Mantra, you're awesome. And maine genuinely bahut enjoy kiya. For me, it is 50 on 10. You round of applause for Purbi, Mantra, Rajiv. Please welcome Sudesh as himself, Krishna as various characters, and Siddharth as Videshi Girl. प्रीति जी, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। आप लोग बताए, प्रीति जी शिमला से और मैं भी शिमला से हूँ। हाँ शिमला से। Really? You must be feeling like home ना today. Absolutely. क्योंकि आपके बगल में इतना बड़ा पहाड़ जो बैठा है मेकअप का। बट जेन्युइनली प्रीति जी, आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ मैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी एक्ट्रेसेस हैं, आई थिंक यू हैव द बेस्ट स्माइल। थैंक यू, वी लव योर डिंपल। खैर अर्चना जी, कैसा लग रहा है इतने सारे स्टार्स आ रहे हैं हमारे शो पे? है सारों के बीच में अच्छा लग रहा है। पिछले हफ्ते परमीत जी के कंधे पर बैठकर रोने लगी। कहती परमीत तुम्हें पता है आज मैं अक्षय से मिली, आज मैं अक्षय से मिली। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी बाहर परमीत जी को फोन किया, इन्होंने बोले प्रीति आ रही है, जब साथ में बैठेगी ना एक फोटो खींच लेना, हम लोग फ्रिज पे लगाएंगे। परमीत जी बोलते कोई बात नहीं, फोटो तो मैं खींच लूंगा लेकिन फ्रिज कहाँ से लाएंगे। और सर कैसे हैं? आपको पता अर्चना जी, सुरेंद्र हमारी फौज में था पहले, एक दिन मेरे पास आया, कहने लगा आपको बताए चांद से नीचे अर्थ पे देखो तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नजर आता है। मैंने बोला हमें क्या पता, हम तो चाइनीज है, हमें ऐसे चांद नजर नहीं आता। खैर अर्चना जी, आप सोच रहे होंगे मैं चाइनीज होके हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ मुझे पता था, जब ये मंत्रा 100 एपिसोड ऐसे ही निकाल सकता है तो मैं एक भी एपिसोड में हिंदी नहीं बोल सकता। खैर यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी वार्निंग दी गई है, बहुत सारे घुसपैठी आते हैं, कोई भी आए उसको उड़ा दो।
कौन है वहां पे? कोई नहीं. अरे बकवास करता है, गोली मार दूंगा मैं तुझे. आप मुझे गोली नहीं मार सकते, मेरे 17 बच्चे भूखे मर जाएंगे. और वैसे भी आप मुझे नहीं मार सकते, मैं निहत्था हूँ, मेरे पास हथियार नहीं है. अरे हथियार होता तो भी कुछ नहीं कर पाता, सारी एनर्जी तो 17 बच्चों में वेस्ट कर दी तूने. या क्या या? एक बार माफ कर दो. अरे ये बताएं यहाँ क्या करने आया तू? दरअसल मेरी माँ बहुत बीमार है. अच्छा. और मुझे बाबा जी ने कहा है अगर 11 बार सच्चे दिल से मसाज करवाएगा मम्मी ठीक हो जाएगी. अबे तो मसाज करवाने चाइना क्यों आए, बैंकॉक जाना? तो मम्मी को क्या पता मैं कहाँ से करवा रहा हूँ. साला बकवास करता है माँ के नाम पे, आज मैं तुझे ऐसी ऐसी सजा दूंगा जिंदगी भर पछताएगा तू. बोल बोल प्रीति मेरी बहन है. गोली मार दे. बोल प्रीति मेरी बहन है. साले बहन होगी तेरी, मेरी तो बेटी जैसी है. एक मिनट, मुझे आज भी याद है छोटी सी होती थी माल रोड पे चॉकलेट लेने ऐसे घूमती, मैं इसको ऐसे बड़ा प्यार, ओ मेरा बच्चो, ओ मेरा चूना मुना, ये डिंपल मैंने डाले ऐसे ऐसे करके. थैंक यू. बकवास बंद कर, मैं तुझे गोली मार दूंगा. हेलो सर आपको क्या हुआ? अरे गोली मुझे लगी है. तो फिर मेरा क्यों आग करा रहे हो? हेलो सर ये उल्टी बंदूक कैसे चलेगी? अरे चाइनीज बंदूक है, पता नहीं गोलियां कहां से निकलती है. एक काम करो मेरी बीवी से बात करवा. ओके. हेलो बिल्लो तो कहती है ना जवान पति चाहिए. अबे तेरी बीवी से नहीं, मेरी बीवी से बात करवा. ठहर जा. बोल मैं मर रहा हूँ. क्या हुआ? मिस कॉल कर दी मैंने, आता ही होगा. अबे साले मैं मर रहा हूँ, तुझे मिस कॉल की पड़ी है? हेलो आपका पति मर रहा है? यार एक तो तेरा पति मर रहा है, ऊपर से मुझे चढ़ा रही है. हेलो ये बात. ओ हाय. हेलो हाँ, ये आप में जान कैसे आ गई? अरे प्रीति को देखकर तो मुर्दों में भी जान आ जाती है. क्या हेलो ये प्रीति जेंटा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे सबने बताया कि आप शिमला की लड़की हैं, तो शिमला साहब खुद नहीं आए? हेलो अबे शिमला जगह का नाम है. तो बताओ ना सर फिर, ऐसे थोड़ी आप बात. एक्चुअली पता क्या है कि शिमला के और भी काफी कलाकार हैं, ये हमारा कृष्णा भी जो अभी खड़ा मेरे साथ काम करता है छोटा, ये भी शिमला का है. आप यकीन नहीं करेंगे वहां के लोग देखे इतनी सर्दी और ऐसे चल रहे हैं. मैं कह ये क्या कर रहे हो, इतनी सर्दी है यहाँ पे तो लोग सुकड़ के चलते हैं, आप अकड़ के क्यों चल रहे हो? कहते अकड़ेंगे प्रीति जेंटा यहाँ की है. मैं कह जोरदार तालियां बजाओ भाई, कमाल है. मैं देहरादून में भी गया था अर्चना जी, वहां लोग ऐसे से घूम रहे. मैं कह इतने शर्मिंदा क्यों हो रही हो? कहते अर्चना यहाँ की है. पूछ रही है ना देहरादून की आप? हाँ जी वहीं की है. नहीं होता ना. हाय हाय सोहेल साहब आप बहुत खुश हो रहे हो, मैं बैंड्रा भी गया था. ये वहां खड़े थे और सलमान खान जी ना ऐसे बंदूक ले गए ऐसे इनके सामने. मैं कहा सर ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहते इसने मुझे भी बोला था शेर खां बना रहा हूँ. मैं आपको बताऊं प्रीति जेंटा जी, मैं ना इसी लाइन में, मैं भी हीरो बनना चाहता था. तो क्योंकि हमारा एक ग्रुप था सलमान आमिर खान ये सब. नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो, हमारा एक ग्रुप था, सब मिलके इनकी फिल्में देखते थे. लेकिन मैंने बाद में कैंसिल कर दिया. मैं कहा नहीं यार हीरो बन के स्टार बंदा बन जाए भाई दी, वे तो बड़ी मुश्किल होती, खुला बंदा घूम नहीं सकता, कहीं भी जा नहीं सकता. हम तो खुला घूमने वाले, कहीं भी खड़े हो जाओ, क्योंकि हर बंदा चिंकी पांडे जैसी किस्मत नहीं लाता कि बंदा हीरो भी बन जाए और पहचान भी ना हो. ये बड़ी मुश्किल होती है. एक मिनट जरा, ये 500 का नोट जो आपने मुझे बाहर दिया वापस कर दूंगा. नहीं इन्होंने मुझे दे दिया, कहते जिन्होंने सिखाई है उनके पैसे बनते ही. यार ये थोड़ी हो गई है. या ओ चुची. ये क्या कर रहे हो? मसाज. मैंने तो बोला भी नहीं मसाज. हमको पता इधर इंडियन लोग क्या कराने को आता है. ए बकवास नहीं करी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ. ओ बिजनेसमैन है चुची. हे
ये क्या कर रही हो? हमको पता है इधर बड़ा बड़ा बिजनेसमैन क्या क्या करने को आता है। अच्छा पहले खाने को मिलेगा कुछ? भूख लगा है। अरे कोई बात नहीं, मेहमान ड्रैगन समान होता है। के लिए दो कोबरा लेकर आओ। मुझे भूख नहीं है। लेकिन कोबरा को तो है। ये क्या बात कर रहे हो? हमारे पास बहुत स्पेशल आइटम है। अच्छा। हमारे पास लच्छा कोबरा है। लच्छा कोबरा क्या होता है? अब जब वो कोबरा ऐसा कुंडी मार के बैठता है ऐसे ही सेक देते हैं उसको। यार ये क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं, हमारे पास मेंढक मसाला डोसा है। चलो छोड़ो, मुझे भूख ही नहीं यार। ऐसा है कि कुछ बिजनेस की बातें हो जाएं। कोई सामान है आपके पास? सामान है हमारे पास। क्या है? हमारे पास चाइनीज सुरेंद्र है, चलेगा? ये तो इंडियन सुरेंद्र वहां नहीं चल रहा। मैं आपको बताऊं, मैंने पूछा एक दिन, मैंने कहा आपके घर में सबसे छोटा कौन है? कहता पापा। मैं क्या मतलब? कहता अभी तक मम्मी के साथ होता है। यार ये क्या लोग है यार। और कुछ है? हमारे पास है 19,000 का वॉशिंग मशीन है। 19,000 का वॉशिंग मशीन? अरे इंडिया में 17,000 का मिल जाता है। इंडिया से लाएंगे 2,000 भी नहीं कमाएंगे। हमारे पास 7,000 का एरोप्लेन है। 7,000 का एरोप्लेन? हाँ, और जो जो उसमें बैठेगा सबको 1,00,000 रुपया मिलेगा। 1,00,000? वो कैसे? अब जब क्रैश होगा मरने पे गवर्नमेंट सबको 1,00,000 देगा। ऐसा करो कुछ पास इसको लेके जाओ। ये बहुत काम की है। ये क्या क्या कर लेती है पूछो? सुबह 4 बजे मुझे उठा दिया करोगी? अबे लड़की चाहिए मुर्गा चाहिए तेरे को? 4 बजे? अरे बात है ना, 4 बजे उठा दिया करोगी? मैं 4 बजे तक सोने नहीं दूंगी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं टैलेंटेड भी बहुत हूँ। अच्छा? हाँ, मैं गाना गा लेती हूँ, मैं डांस कर लेती हूँ, मैं खाना बना लेती हूँ, मैं बर्तन माँज लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। अरे वाह, इतना टैलेंट है तो तुम क्यों नहीं रखते इसको? झूठी बहुत है सर। हम इसको फ्री में देगा। अच्छा? हाँ, लेकिन हम वो इंडिया में प्रीति जिंटा है ना, उसका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा? हाँ, तो उससे मिला दो, तो इसको इसी लेके जाओ। इसमें क्या, जोरदार तालियां अभी मिला देते हैं, बजाओ भाई। यात्रा आपको कैसी लगी? 100% धमाल। And for that, आइए शिमला की लड़की से पूछते हैं, प्रीति, how did you like it? कहते हैं कि अगर इंसान हंसे तो हमेशा यंग रहता है, तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट वे टू स्टे यंग। यार इस कुर्सी पे जमे रहो, हिलो मत। बट इट वॉज रियली वेरी वेरी नाइस, वेरी एंटरटेनिंग, थैंक यू। देहरादून से बात करते हैं। कॉमेडी सर्कस जो एक शो बन गया है जो 6 साल में अब चल रहा है, उसका एक कैरेक्टर है, उसकी एक फैन फॉलोइंग है, और उस कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुदेश और कृष्णा आप दोनों की कॉमेडी है। सिद्धार्थ, यू आर अ वेलकम एडिशन टू दिस टीम, लेकिन कृष्णा एंड सुदेश, यू आर सुपर। 10 points! Please welcome Bharti as Statue of Liberty and Siddharth as Taj Mahal. ऐसे क्या मुंह खोल के देख रहे हो कि अभी तक ताज महल स्टेज में नहीं आया? पीछे देखो पीछे। आदाब 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 सोहेल मामू, आदाब अर्जू चाचू। अब आप सोच रहे होंगे कि ताज महल इनके पीछे क्या कर रहा है? नहीं नहीं, मैं अर्चना जी के पीछे कुछ नहीं कर रहा हूँ, उल्टा कपिल के प्यार में अर्चना जी ताज से आगे निकल गई है। जोरदार ताली बजा तो भाई। मैं हूँ ताज महल, प्यार की निशानी, और आप प्यार करने कहाँ गई? पेरिस। क्या प्रीति जी आप भी, अरे इधर ये सेट पे शूट कर ली थी, पूरी पिक्चर खत्म हो जाती है आपकी। और प्यार करने वाले बहुत लोग हैं कि नहीं भाई? प्रीति जी से प्यार करते कि नहीं? और इतने सारे अजूबे हमारे इधर, ये अपना पिंकू बहुत बड़ा अजूबा है। अभी इसकी बीवी का फोन आया तो बीवी को बोलता है, बीवी पाजी फोन रख दो, मैं एफएल टावर के नीचे हूँ, मुझे इंटरनेशनल रोमिंग पड़ रही है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं हूँ ताजमहल, 300 साल से खड़ा हूँ, सोच रहा हूँ शादी कर लूँ, लेकिन किससे कर लूँ शादी, किससे?
Hi, Preeti. Hello. How are you? मैं हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी. मुझे देख के तुम पहचान गई होगी कि मुझे पैदा करने वाले ने कितनी ज्यादा लिबर्टी ली होगी. एक्चुअली नाम प्रीति रखने से कोई प्रीति नहीं हो जाता, समझी? जो डिंपल डाल के हंसो ना. प्रीति होने के लिए मेरे जैसा फिगर होना जरूरी है. 48 48 48, इन शॉर्ट गोल. भारती कैसी भी हो चलती हो प्रीति, क्योंकि मैं जैसी हूँ सोहेल के लिए अच्छी हूँ. क्यों सोहेल? तभी तो तीन सीजन से यहाँ पर बैठे हैं. मुझे छोड़ के जाने का नाम ही नहीं ले रहे. हेलो. लेकिन आज तक मैंने सोहेल को घास नहीं डाली, क्योंकि मैं इनसे शादी करना ही नहीं चाहती. मैंने कितनी बार सोचा अगर मैं सोहेल से शादी कर लूं, सुहागरात की सेज में मैं सच धज के बैठी हूँ, ये वही आधी चट्टी और चप्पल में आए और मुझे कहे भारती मेरा भाई कभी कभी कुछ चीजें करनी पड़ती है, कभी कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती, तो मेरे तो सारे मूड की माँ बहन हो गई ना. लेकिन मैं बहुत समझदार लड़की हूँ. समझ से ही अपनी जीवन साथी चुनूंगी. पता नहीं कैसा होगा मेरे सपनों का राजकुमार. अरे पलट के देख मेरी जान, तेरा राजकुमार इधर है. छी, ए, अबे मैं ताज हूँ. जला हुआ ताज. अबे तू मेरी बेइज्जती कर रही है. अरे मैं प्यार की निशानी हूँ. पता है मुझे कौन से प्यार की निशानी है सोहेल जी? इसको देखने जो लड़के लड़कियाँ आते हैं ना, इसके पिछवाड़े में जाके ना खजुराहों की मूर्तियों के पोज बनाते हैं और दीवारों पे इतनी गंदी गंदी बातें लिखी होती है ना, आई लव यू अर्चू, बरखा का बॉयफ्रेंड, विपुल का भांजा. अरे मैं प्यार के लिए तैयार हूँ. मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा प्यार हूँ. शादी नहीं सही, लिव इन के लिए तैयार हूँ. ब्लैक ह्यूमर, आई डोंट लाइक लव शर. मुझे तो आए दिन कितने लोग प्रपोज करते रहते हैं. प्रपोज करते हैं? अरे मैंने तो कुतुब मीनार को मुंह पे मना कर दिया. कुतुब मीनार को? हाँ. क्यों? ही लुक लाइक वेरी वल्गर. तो छोड़, तू मेरे से शादी कर ले, चल. मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ. किससे? टावर ऑफ पीसा से. टावर ऑफ पीसा? ये अबे ये तेरे से क्या प्यार करेगा, ये खुद अपने पैर पे खड़ा नहीं है. ये ऐसे अच्छा हुआ ये लड़की नहीं, तो ऐसा खड़ा होता. मुझसे शादी कर ले बोलता हूँ तेरे को. अरे मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती और ना ही शादी. मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानती नहीं हूँ. लेकिन इतना सुना है कि तुम्हें रोज बहुत सारे लोग देखने आते हैं. आते ना बहुत सारे लोग देखने आते हो, ये तो परेशानी है. अरे महल हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी सुसु लगती है. सुबह से प्रेशर लेके खड़ा होता हूँ, शाम को फवारा बन के निकलता है. लेकिन तेरा तो बहुत थाट है ना USBS में, एकदम आओ मस्त में गया. हेलो. व्हाट? काहे का USBS? आवाज निकालो, उधर से पटेल, इधर से सिंह, उधर से शर्मा, उधर से गुप्ता निकलता है. मुझे तो डर है कहीं ओबामा का नाम भी पीटर भाई पटेल ना निकले कहीं. इतने इंडियन है, मैं इंडियन एक से ही. बोलना शादी करा. ठीक है, तुम्हारी बातें कितनी क्यूट है, मैं मान जाती हूँ शादी के लिए. लेकिन सुनो. क्या? हमारी शादी में एक बहुत बड़ा आदमी आएगा. कौन? आईफिल टावर. क्यों? क्योंकि मैंने सुना है शादी में कोई बड़ा आए ना तो आशीर्वाद अच्छा मिलता है. तो मैं भी मेरे दोस्त को कुतुब मीनार को बुला लेता हूँ. क्यों? सुहागरात में थोड़ी टिप्स दे देगा. ठीक है, तुम सबको बुला लो, मैं सबका वीजा लगा दूंगी. हम धूमधाम से शादी करेंगे मेरे देश में जाकर, और मैं तुम्हें ग्रीन कार्ड भी दिलवा दूंगी. एक मिनट, क्या बोली तू? शादी करके मैं तेरे साथ नहीं आने वाला हूँ, तू मेरे साथ आने का, समझा ना? तुम्हारा देश में सिर्फ पत्थरों को लिबर्टी है, इंसानों को नहीं है. अपना भारत देश सबसे बेस्ट है, इसलिए तेरे को रहना है तो भारत में आ, नहीं तो चल. अच्छा, तो मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को एक देश के लिए छोड़ रहे हो? कैसे लोग हो तुम? हाँ, ऐसे लोग है, सबसे आगे है हिंदुस्तानी. क्यों भाई लोग? हमें पता है कृष्णा सुदेश को 10-10 मिले हैं. मंत्रा को 501 मिला है ना. तो जरूरी नहीं है हर एक्ट में बहुत सारी हंसी हो. कुछ एक नॉलेज वाले भी होते हैं. और हमारे जो साथी राइटर हैं, हम कुछ पंक्तियों से उनका सम्मान करना चाहते हैं. कुत्ते! ऐसे आगे नहीं
नंबर मिले उससे अपनी प्यास बुझा ले। बरखा आ गई अभी बरसे की यही चीज। अर्चना ये एजुकेशनल एक्ट आपको कैसा लगा? आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज वेरी नोटिसेबल। जो बीच बीच में जो नॉटी जोक्स थे वो प्रीति जी बिचारी को बिल्कुल समझ नहीं आए, सो शी इज वेरी इनोसेंट, लेकिन मुझे बहुत पसंद आए। प्रीति, हाउ डिड यू लाइक द एक्ट? बहुत अच्छा एक्ट था, बहुत एंटरटेनिंग था, सो थैंक यू। थैंक यू सो मच। सोहेल, आपके जो लास्ट 30 सेकंड्स में जो आपका कमबैक था उसके लिए आपको लाफ्टर के शिप पर ले जाने आ रहे हैं कपिल एज कैप्टन, सरगुन एज वाइफ और मुबीन एज हस्बैंड। प्रीति, मेरे को यकीन नहीं था आप मेरे से मिलने आएंगी। आई एम सॉरी फॉर आप, वो सिक्योरिटी वाले ने रोका आपको, मैंने बड़ा डांटा उनको, मैंने कहा जरूरी नहीं किसी की गाल में गड्ढे पड़ते हो तो वो शाहरुख खान ही हो, ये थोड़ी होता है। आपको एक बात बताऊं, पूरी इंडस्ट्री में अगर मैं किसी एक्ट्रेस का फैन हूं तो थैंक यू आपका। यही लाइन तूने पिछली बार रानी मुखर्जी को बोली थी? नहीं, वो याद तो इन्हीं के लिए की थी, वो पहले आ गई, मेरा क्या कसूर। मतलब मेरे को आप इतनी अच्छी लगती ना, यू शुड लव मी वंस। मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने आपकी फिल्म देखी, आपने पहली फिल्म दिल से की। मैंने एक चीज नोटिस की है प्रीति, आपकी फिल्मों में आपने प्रेग्नेंट वुमेन का रोल काफी किया है, जैसे वो सलाम नमस्ते की आपने, चोरी चोरी चुपके चुपके, फिर क्या कहना, रीजन क्या है? मतलब खाली पेट एक्टिंग करना अच्छा नहीं लगता? मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी टूर एंड ट्रेवल एजेंसी है, हम लोगों को विदेश विदेश में घुमाते हैं, हमारा ये क्रूज है टॉम क्रूज, इसमें हम लोगों को घुमाते हैं। पहले हमारे वो दूसरे वाले जहाज थे, हवाई जहाज, फिर हमने बंद कर दिए। प्रॉब्लम क्या थी कि सारे जहाज आपातकालीन स्थिति से पहले ही गिर जाते थे नीचे। पहले एक गिरा, मैंने कहा चलो बाय मिस्टेक हो जाता है, दो तीन, जब बैक टू बैक आठ के आठ गिरे ना, फिर हमें किसी ने बताया, कहते पानी वाले जहाज को जितनी मर्जी ऊंचाई से फेंको ये नहीं उड़ता। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग पानी वाले जहाज को पानी में ही चलाएं। सो वैसे हमारे जहाज ये जो फिल्मों में यूज होते रहते हैं, आपने वो देखी होगी कहो ना प्यार है, मेरा ये क्रूज अमीशा से भी ज्यादा रेंटेड है, अभी तक चल रहा है। खैर, अब मेरा कोई कस्टमर आ जाए तो मेरे क्रूज की दिहाड़ी बन जाए, कोई कस्टमर आ जाए ऐसे ही कोई। अरे आओ 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 छोटू आओ। शर्म नहीं आती एक बुजुर्ग बुड्ढे को छोटू कहते हो? ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कल एक बुड्ढे को मैंने बुड्ढा बोला, वो मेरे पे भड़क गया, तेरे को छोटू बोल रहा है तू भड़क गया? तुम ओल्ड जनरेशन चाहते क्या हो? क्या कहें तुम्हें? अंकल कहो अंकल। अंकल कल का तेरा भरोसा नहीं, अंकल कहूं तेरे को? What do you mean? अरे इतना बुद्धा नहीं हूं मैं, अभी परसों ही मेरी शादी हुई है। शादी होने से कुछ नहीं होता, पुराने टीवी में केबल तार लगवा लो तो टीवी नया नहीं हो जाता। बेबी आगे नहीं हमारी जाने मन। हेलो बेबी। है है। ये तेरी वाइफ है? हाँ। तेरे को शर्म नहीं आती मेरी गर्लफ्रेंड जैसी दिखने वाली लड़की के साथ तुमने शादी कर ली? अब मेरे को समझ में आया पानी के रास्ते क्यों जा रहे हो, ताकि लड़की भाग ना जाए। देखो तुम बकवास मत करो, और बेबी तुम मुझे ये बताओ हमारे हॉलिडे पैकेजेस का क्या हुआ? अरे उसी के लिए तो यहाँ आया हूँ। ये बताओ हमारे लिए कोई अच्छा पैकेज है? जल्दी जल्दी आपको पैकेज लेना है, दो ही सीटें अवेलेबल है, फटाफट बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, ये लो पैसे लो। ये बताओ कब चलना है? अभी चलना, ये रहा मेरा क्रूज, आइए बैठिए। अरे अरे लेकिन कोई सामान वामान तो लाए नहीं है? अरे सामान रास्ते में ले लेंगे, मार्केट बड़ी आती, रास्ते में आइए आप। समंदर में मार्केट है? समंदर में नहीं होती, पता नहीं, फिर मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। अच्छा। अरे इसका मतलब ये जहाज किसी यात्रा पर गया ही नहीं? क्यों, जहाज तो गया है बड़ी बार, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, आई एम द जस्ट बिगनिंग कैप्टन, न्यू कैप्टन हूँ मैं। अच्छा, आपसे पहले कैप्टन कौन था? सौरभ गांगुली। अरे वो क्रिकेट में कैप्टन था। अरे क्रिकेट में पहले था, बाद में इधर ही आया था, हमारे जहाज पे थे। अरे खैर ये बताओ मेरे को फटाफट, आप दोनों में से तैरना किसको आता है? किसी को नहीं आता। क्या? Then who will save me? आपको तैरना नहीं आता है? क्या मतलब? आप कैप्टन है? मैं कैप्टन हूँ, मैं कोई मगरमच्छ थोड़ी हूँ। आप कमाल कर रही हैं आप, देखिए मेरी बात सुने आप। एक आपको बात बताऊँ मैं, आप बैठ जाइए, अभी लंच का टाइम है, आप ना टांग पानी में मत रखना, ठीक है? पैर नहीं निकालना। एक मिनट, लंच टाइम से मेरे पैरों का क्या लेना देना? ए, हमारा लंच टाइम नहीं, शार्क का, शार्क। चलो जल्दी जल्दी आगे बैठो। सुनो अब ज्यादा बोलना नहीं, मेरे को जहाज स्टार्ट करने दो, ठीक है? हाँ। अरे अरे एक मिनट हमको चढ़ा दो। हाँ। ये बताओ, हाँ? सिंगापुर कब पहुंचेंगे? मेरे को क्या पता, मैं कैप्टन हूँ, ज्योतिषी थोड़ी हूँ, सिंगापुर कब पहुंचेंगे? तुम्हें सिंगापुर की पड़ी है? रूम पूछो कहाँ है? कैप्टन हमारा रूम कहाँ है? हैं?
रूम कहाँ है हमारा? जहाज खाली पड़ा, जिधर मर्जी घुस जाओ। अजय अरे ऐसे कैसे घुस जाए? तुमने कहा था कि सिर्फ दो लोगों की जगह है। मेरा मतलब है जहाज की कैपेसिटी दो लोगों की। तेरा तो क्या बार बार रूम रूम कर रहा है, क्या करेगा रूम में जाके? तुम मेरे हस्बैंड पे चिल्लाओ मत, ओके? क्या? वो हार्ट के मरीज हैं। अच्छा? मुझे बताओ सेफ्टी के लिए यहाँ पे क्या क्या है? शादी आपकी हुई, आपको घर से लानी चाहिए थी सेफ्टी वाली चीजें। हमें क्या पता? अरे इसका मतलब है कोई लाइफ जैकेट वगैरह है? लाइफ जैकेट नहीं होती हमारे कल्चर में, हम लोग ब्राह्मण है। हमारे ना एयरबड्स यूज होते हैं, एयरबड्स ऐसे दो कान में दिए, दो नाक में। हवा अंदर नहीं जाएगी, पानी अंदर नहीं जाएगा, आप डूबेंगे नहीं। व्हाट? मुझे सांस नहीं आएगा, मैं मर जाऊंगी। अरे तो बॉडी में सारे छेद थोड़े ना बंद किए, और भी छेद होते हैं बॉडी में। आप मुंह से सांस ले रहे हैं, मुंह से सांस लिए, मुंह से। अच्छा, मैं मुंह से सांस लूंगी तो मेरे मुंह में पानी जाएगा, तो मैं मर ही जाऊंगी ना। अच्छा, बड़ी चलाक हो तुम। खाना खाती हो? हाँ। खाना खाने के बाद पानी पीती हो? ऑब्वियसली। मुंह में पानी जाता है तब मरती हो? ओए चुप रह, मेरे को अनाउंसमेंट करने दो। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। यात्रीगण, दोनों यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जहाज में केवल छह द्वार हैं। छे? लेकिन नजर तो एक भी नहीं आ रहा है। पता करने की जरूरत नहीं है, जब पानी आएगा ना अंदर अपने आप पता चल जाएगा कौन सा द्वार कहाँ पे है। अरे वो सब छोड़ो, बताओ इस जहाज में कोई एंटरटेनमेंट का साधन है? हाँ, एंटरटेनमेंट है ना, कैसीनो है। कैसीनो? ओ रियली? कहाँ है? मुझे जाना है, खेलना है। हाँ। चलो आओ 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 आओ, दस का दो, दस की दो पति, दो पति आ जाए, दस की दो पति। चलो ए इधर बैठ जाओ साइड पे, दस का दो पति, दो ही बंदे खेल सकते हैं, दो ही बंदे, एक 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 को पुलिस का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे लेकिन समंदर में पुलिस कहाँ से आएगी? समंदर में साले डाकू आते नहीं समंदर में? हाँ। तो डाकुओं के पीछे पीछे पुलिस नहीं आ सकती? देखो तुम्हारी बकवास सुन सुन के मेरा सर दर्द हो गया है, मुझे बहुत भूख लगी, बताओ खाना कहाँ है? क्या खाओगी, अला कार्ते के बुफे? बुफे? बुफे के लिए आपको मेरे को धक्का देना पड़ेगा। क्यों? नीचे सब कुछ है, जो आपको पसंद हो खाएं, जिनको आप पसंद आ गए वो आपको खाएंगे। अरे यार वो सब छोड़ो, जाने मन तुम खाने के पीछे क्यों मर रही हो, हम तुमको खिलाते नहीं है क्या? एक काम करते हैं, इतने बड़े क्रूज में आए टाइटैनिक का पोज बना के खड़े हो जाते हैं। ए बुड्ढे ज्यादा ईगल मत बन, पानी में चला जाएगा तू। ए चल पीछे खड़ी रह। क्यों? पानी में गिर गई तो खामखा प्रेग्नेंट हो जाएगी। पानी में गिरने से कौन प्रेग्नेंट होता है? जब पानी पेट में गया, पेट फूलेगा कि नहीं फूलेगा तेरा? ए बुड्ढे चल पीछे हो जा, तू भी कहीं पानी में मत गिर जाना। अजय मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि एक हल्के से हवा के झोंके से गिर जाऊं। मुझे नहीं पता था मेरी मन्नत इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। सुनो, तुम्हारा बुड्ढा तो मर गया, हम दोनों शादी कर ले। What do you mean? अभी अभी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, शर्म नहीं आती है तुम्हें? चलो थोड़ा फ्रेश हो, फिर भी कर लेते हैं। सुनो, जब हम शादी करेंगे तो हम इश्क कहाँ करेंगे? पेरिस में। पेरिस में क्यों? वहाँ पे प्रीति जिंटा है ना। वो प्रीति जिंटा, उसने 50 फिल्में की हैं, तेरा एक सीरियल आता था वो भी ऑफ एयर, मैं थप्पड़ मारूंगा तेरा खींच के। प्रीति जिंटा करेगी, प्रीति जिंटा करेगी, उसका पेरिस में करना बनता है। और वैसे भी तेरे को बात बोलूं, इश्क चीज ही ऐसी है, मजा आना होगा तो घाट कोपर में भी आ जाएगा। प्रीति जिंटा के लिए जोरदार तालियां। अर्चना, वी विल स्टार्ट विद यू। टॉम क्रूज की सवारी आपको कैसी लगी? कपिल, मुबीन एंड सरगुन, आपने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। इस एक्ट में गुंजाइश थी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आप जैसा भी करते हैं आप औरों के मुकाबले मतलब हमेशा बेहतरीन ही रहेंगे। थैंक यू मैम। सोहेल, आपको कैसा लगा? आज इतने बेहतरीन एक्ट हुए हैं सब, लेकिन कपिल मेरे भाई, मैं ये हमेशा कहता हूँ, क्या अगर आप पहली बॉल पे भी आउट हो गए तो आप 9 मार के आउट हो सकेंगे। अरे थैंक यू सोहेल भाई, थैंक यू सो मच। प्रीति, कपिल, आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, क्योंकि मैंने बहुत सुना था आपके बारे में, सो आई एम हैप्पी कि देखने को भी मिला। आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ यू गाइज, बट आई एम सो सैड कि मैं सिर्फ आज ही आई हूँ, बट इट हैज़ बीन सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी और मुझे बहुत मजा आया है। थैंक यू। थैंक यू। जब तक कॉमेडी सर्कस रहेगा, हंसी का विश्व भ्रमण चलता रहेगा। ओनली ऑन सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।